खबर आपको बताएं, यूएन में भारत की चीन पाकिस्तान को एक बार फिर से लताड़। यूएन में पाक आतंकी के खिलाफ सबूत भारत की तरफ से पेश किए गए हैं। भारत ने यूएन में आतंकी साजिद मीर का ऑडियो टेप सुनाया है। इस ऑडियो टेप को सुनकर साफ समझ में आता है कि कैसे साजिद मीर लगातार भारत के खिलाफ साजिशें पहले भी रचता रहा और इसके बाद भी रचता रहा है। और ऐसे में अब जब चीन ने एक बार फिर से इसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने में अड़ंगा लगाया है, तो भारत ने वो अहम सबूत यूएन में सामने रखा है। तो अंतरराष्ट्रीय मंच पर ड्रैगन एक बार फिर से एक्सपोज हो गया है। और चलिए आपको हम सुनवा देते हैं वो ऑडियो। तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा की छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फायर ठोको, उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा की छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फायर ठोको, उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा की छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फायर ठोको, उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा की छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फायर ठोको, उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। तो सुना आपने, 26/11 में जो हमला हुआ था मुंबई में, उसी दरमियान का ये ऑडियो है। और इस ऑडियो में साफ सुनाई देता है कि साजिद मीर कैसे इंस्ट्रक्ट कर रहा था यहाँ पर आतंकियों को और कह रहा था कि जो भी सामने आ रहा है उसको फायर करो, उसके ऊपर फायर करो, क्योंकि उसको अभी समझ नहीं आ रहा होगा कि आखिर हो क्या रहा है और वो बचने की कोशिश नहीं करेगा। शिवानी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई है। शिवानी, ये एक बार फिर से जो आतंक प्रेम है चीन का वो सामने आया, जिसमें चीन एक बार फिर से ग्लोबल टेररिस्ट साजिद मीर को बताने को लेकर के अड़ंगा लगा रहा है, लेकिन भारत बार बार वो सबूत दुनिया के सामने रख रहा है और इसी यही वजह है कि एक बार फिर से पाकिस्तान और चीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेनकाब हो गए हैं। बिल्कुल, आप देखिए, ये एक बड़ा एक्सपोज है जो भारत ने किया है यूनाइटेड नेशंस में। और लगातार 26/11 का मामला हो या फिर पुलवामा अटैक हो, दूसरे टेरर अटैक हो, लगातार पाकिस्तान के आतंकवादियों पर शिकंजा कसता आया है अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर भी। और अगर हम साजिद मीर की बात कर रहे हैं, $5 मिलियन का इनाम इसके ऊपर FBI रख चुकी है। यूनाइटेड स्टेट्स ने 2011 में ये मान लिया था कि 26/11 के हमलों में साजिद मीर का हाथ था। भारत लगातार न्याय मांग रहा है उन सैकड़ों परिवारों के लिए, लेकिन पाकिस्तान जानबूझकर हीला हवाली करता रहा। और अब जब भारत ने यूएन में इसे ग्लोबल टेररिस्ट का दर्जा देने का एक प्रपोजल रखा था, तो सितंबर में चीन ने इसको होल्ड पर रख दिया था। और अब ये पता चला है कि उस प्रपोजल को चीन ने ब्लॉक कर दिया है। और उसके ऊपर प्रतिक्रिया देते हुए यूनाइटेड नेशंस में जो भारत के जो MEA के जॉइंट सेक्रेटरी हैं पंकज गुप्ता, उन्होंने खुले शब्दों में यहाँ पर लताड़ा है चीन को भी और पाकिस्तान को भी। और यूएन में खुले तौर पर उन्होंने कहा कि अगर हम चाहते हैं कि ये पूरी दुनिया, ये पूरा विश्व एक सुरक्षित जगह बने, तो इस तरह का जो दोगलापन है उससे उबरना होगा चीन को, क्योंकि चीन ने साजिद मीर को ग्लोबल टेररिस्ट बनाने के इस प्रपोजल को ब्लॉक कर दिया है। साफ जाहिर है कि कैसे पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी चीन के लिए भी अब सिंपथी उनकी दिखाई दे रही है, चीन उनके लिए सिंपथी रख रहा है। उसका साफ ये आप मान सकते हैं कि भारत के ऊपर हमला करता है लगातार, आतंकवादी हमले यहाँ पर करने की कोशिश होती है और चीन लगातार इसको सपोर्ट करता है। और एक बार फिर भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको एक्सपोज कर दिया है, एक बार फिर से एक्सपोज किया है। लेकिन ये समझ से परे है शिवानी कि चीन जिस तरीके की बातें करता है और जो करता है उसमें करनी और कथनी में बहुत फर्क है। आप देखिए, पाकिस्तान प्रेम है जो उसका बार बार उजागर होता है और इससे न सिर्फ पाकिस्तान की भद्द पिटती है बल्कि ग्लोबली चीन की भी भद्द पिटती है। बिल्कुल, पाकिस्तान की भद्द तो पिटती ही है और बार बार वो अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है कि वो FATF की जब भी एक्सेस, जो उसका असेसमेंट होता है, उससे पहले वो कोशिश करता है दिखाने की, बताने की कि वो आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन ले रहा है। लेकिन बार बार जब एक्शन लेने की बात होती है तो पाकिस्तान गुपचुप हो जाता है, वहाँ पर गलत बयानी करता है, गलत तरीके से आतंकवादियों को छुपाता है, बचाता है। अलग अलग जो केसेस हैं, हमने भारत ने लगातार केसेस किए हुए हैं और 26/11 के भी अगर अटैक की बात करें, अभी तक ये मामला पेंडिंग है क्योंकि सही जानकारियाँ नहीं मुहैया कराई गई हैं पाकिस्तान की तरफ से। और अब साजिद मीर को जब ग्लोबल टेररिस्ट बनाने की बात आई है तो चीन ने उस प्रपोजल को ही ब्लॉक कर दिया है। एक तरफ भारत और चीन लगातार LAC पर विवाद सुलझाने की बात करते हैं और चीन बार बार बातचीत के जरिए इस विवाद को सुलझाने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि कैसे वो पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है और आतंकवाद के मुद्दे पर समर्थन कर रहा है। बने रहे हमारे साथ। भारत ने एक बार फिर से बेनकाब कर दिया है और जो ऑडियो भारत की तरफ से यूएन के सामने रखा गया है वह फिर से हमारे दर्शकों को सुनवा देते हैं।
मूवमेंट नजर आते हैं, बंदा जिस छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फायर ठोको, उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आते हैं, बंदा जिस छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फायर ठोको, उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आते हैं, बंदा जिस छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फायर ठोको, उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आते हैं, बंदा जिस छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फायर ठोको, उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। ऐसे न जाने शिवानी कितने सबूत हैं जो भारत पाकिस्तान के सामने रख चुका है 26/11 हमले से जुड़े हुए, जो साफ साफ बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान में बैठे आतंकी आका ने यहां पर उन आतंकियों को वहां से इंस्ट्रक्शन दिए थे। और ये ऑडियो भी एक बार यही बताता है, बावजूद इसके पाकिस्तान ये सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन इस ऑडियो को पूरी दुनिया ने सुना है, यूएन ने सुना है, और ऐसे में समझ में आ चुका है कि सच्चाई क्या है। श्वेता देखिए, ये एक ऑडियो टेप है, ऐसे सैकड़ों सबूत हैं जो भारत दिखा चुका है पूरी दुनिया को, यूनाइटेड नेशंस में दिखा चुका है, और यही वजह है कि 2011 में अमेरिका ने भी मान लिया कि ये जो साजिद मीर है, जो लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी है, सीधे तौर पर शामिल रहा है 26/11 के अटैक में, इंटरनेशनल अपराधी है, इसके ऊपर ग्लोबल टेररिस्ट का ठप्पा लगना चाहिए। लेकिन जब ये प्रपोजल भारत यहाँ पर लेकर जाता है तो चीन इसको ब्लॉक कर देता है। अब इसे क्या समझा जाए कि आखिर क्यों हितैषी बना हुआ है चीन इन आतंकवादियों का, जो सैकड़ों लोगों की मौत के गुनहगार हैं। और दूसरी तरफ ये पहला वाकया नहीं है जब भारत ने यूएन पर इतने पुरजोर ढंग से चाइना को सलाम किया है या फिर पाकिस्तान को एक्सपोज किया है। तमाम ऐसे वाकये हैं, तमाम बार ऐसा हो चुका है कि तमाम सबूतों के साथ भारत ने एक्सपोज किया है पाकिस्तान को। आप देखिए लगातार जो गतिविधियां होती हैं वेस्टर्न बॉर्डर पर, शिवानी आप, और इस तमाम एक्सपोज के बावजूद पाकिस्तान ये मानने को तैयार नहीं आया, यूं कहे कि आतंक से आंखें मोड़े हुए, और यही वजह है कि खुद उसके अंदरूनी हालात इस तरह के बिगड़े हुए।